घूमने वाले और गया में कहाँ घूमने वाले मेरे को नहीं पता क्योंकि मेरे को छोटी दी घुमाने ले जा रही है। तो बिना बताए इसकी वीडियो से वीडियो में करते हैं। मैं खा मखा चला चला उड़ बढ़ता गया तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। तो फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं सीताकुंड घूमने, साथ में छोड़ी दी है और अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं क्योंकि हम लोग गली गली जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग गली से निकलेंगे, ऑटो पकड़ेंगे और सीताकुंड घूमने जाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और ऑटो में मिलते हैं। सुबह फाइनली जो हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सिनेमैटिक दिखाते हैं आपको, आप सिनेमैटिक से एंजॉय कीजिए और चलते हैं सीताकुंड में मिलते हैं। कह दो ना हमें आज तो दे दो ना एक बात तो छेड़ो ना जिस बात में खो लेना। तो गाइस हम लोग को ऑटो एक जगह ला के पटक दिया है मतलब हम लोग उधर गए और यहाँ से हम लोग को थोड़ा चलना है अंदर तक, थोड़ा चलना है तो कोई बात नहीं थोड़ा चल लेंगे। तेरे पास कोई और रास्ता है नहीं? तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सीताकुंड द्वार के पास और ये द्वार ही देखने में बहुत मस्त लग रहा है। अभी पानी सूखा हुआ है क्योंकि 6 महीना पानी रहता है, 6 महीने पानी नहीं रहता है, लेकिन ये द्वार देखने में बहुत मस्त लग रहा है और अभी हम लोग जा रहे द्वार में प्रवेश करने हैं। तो फाइनली जो हम लोग द्वार में प्रवेश कर चुके हैं, पीछे देख सकते हैं कि द्वार दिख रहा होगा पीछे मेरे और बहुत धूप है और धूप में गर्मी भी लग रहा है थोड़ा, लेकिन हवा चल रहा है तो उतना पता नहीं चल रहा है। तो अभी चलते हैं अंदर, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। वैसे देखने बहुत सुंदर जगह लग रहा है, अंदर क्या क्या आगाज कर उनवान दे अंजाम दे कुछ नाम दे इस गीत को पहचान। खा मखा चला चला उड़ बढ़ता गया तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। सो गाइस फाइनली जो है हम लोग सीता वाटिका पूरा घूम चुके हैं, सीताकुंड नहीं सीता वाटिका जो कि एक छोटा सा पार्ट था सीताकुंड का। तो हम लोग जा रहे हैं सीताकुंड को और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करने। वैसे फोटो बहुत मस्त मस्त आए हैं यहाँ पे, तो हो सकेगा तो मैं यहाँ का फ़ोटो भी आपको इसमें ऐड ऑन कर दूँगा। वैसे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जगह ये, छोटू सा गार्डन जैसा है और बहुत अच्छा यहाँ का डेकोरेशन है। डेकोरेशन क्या मतलब स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलते हैं और अंदर से और अच्छे से इसको एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन बहुत सुंदर जगह है सच में। आप लोग को भी यहाँ ज़रूर आना चाहिए अगर आप लोग गए आते हैं तो, क्योंकि हम लोग सोचा नहीं थे कि इतना सुंदर हो ये जगह, लेकिन सच में बहुत सुंदर और बहुत अच्छा जगह है। ठंड ठंडा हवा चल रहा है और मज़ा आ रहा है। बस अब बातें बहुत होगी, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और आप लोग सिनेमैटिक्स में देखिए इस जगह कैसा है ये। Yes.
जैसे कोयल गुनगुनाते हुए तुम तारे टिमटिमाते, वैसे अंगना में तुम आए और सारी कायनात मुस्कराए, कायनात मुस्कराए, सारी कायनात मुस्कराए, कायनात मुस्कराए, कायनात। मैं खामखा चला चला उड़ बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। खामखा चला चला उड़ बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। सो गाइस फाइनली जो है हम लोग सीताकुंड घूम चुके हैं और आई होप आप लोग भी घूम ही लिए होंगे और आप लोगों को भी अच्छा लगा ये जगह, क्योंकि मेरे को तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत पीसफुल जगह है और सुंदर जगह है। और इस जगह का खास बात यह है कि यहाँ पर सीता जी जो है अपने ससुर जी यानी कि दशरथ जी का पिंडदान करने आई थी और इसीलिए ये जगह जो इतना फेमस है। और ये सामने जो है मेरे सूर्य मंदिर है अभी, और सीताकुंड ऊपर है और अभी यहाँ का पानी सूखा हुआ है क्योंकि 6 महीना पानी रहता है और 6 महीना पानी नहीं रहता है। और ये जो है फाल्गुन नदी है और इसी में जो है गंगा जी का संगम भी हुआ है। और सीता जी जो है फाल्गुन नदी को श्राप दी है कि पानी जो है सूखा हुआ रहेगा ऊपर से, लेकिन जमीन के नीचे बहुत पानी है इसलिए सूखा हुआ रहता है नदी। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है हम लोग को, तभी हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, उसके बाद फिर जाएंगे रबर डैम, लेकिन रबर डैम आप लोग को हम घुमाएंगे अगले ब्लॉग में। तो चलते पहले आइसक्रीम खाते हैं फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। तो ये फाइनली हमने आइसक्रीम ले लिया ये, और इस आइसक्रीम का नाम है सचमुच आम, मतलब आम जैसे लगता है, टेस्टी पूरा आम जैसे लगता है, 25 रुपये पीस मिलता है। तो मतलब हम लोग आइसक्रीम ले चुके हैं और हम लोग पानी की बोतल भी साथ में ले ली क्योंकि मैं पानी की बोतल लाना भूल गए थे और बहुत ज़ोर से प्यास लग रहा था हम लोग को। तो ले ली है आइसक्रीम, पानी की बोतल, अब जा रहे हैं हम लोग रबड़ हैं। बहुत ही मस्त आइसक्रीम एकदम स्वादिष्ट, लेकिन बहुत जल्दी पिघल रहा है। यूट्यूब घर में क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सामने ही रबर डैम, चलते हैं वहीं मिलते हैं। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आप सभी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।